दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे और पल पल आपको याद करे, तो सिर्फ चावल का साथ दाना लेकर के इस बदकर उपाय को कर दें। आपका प्यार आपके बगैर नहीं रह पाएगा, उसे आपकी आदत लग जाएगी। यदि आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है, आपसे बात नहीं करता है, तो आप ये उपाय एक बार अवश्य करें। तो दोस्तों आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रेमिका का साथ बार नाम लेकर के आपको चावल के साथ दाने लेना है, और चावल के साथ दाने को अपनी प्रेमिका का उस स्त्री का साथ बार नाम लेकर के जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, जैसे आप अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, उसका साथ बार नाम लेकर के एक बार फूंक मार दें और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। दोस्तों चावल के दाने को 3 से 4 दिन तक अपने तकिए के नीचे रखना है। 3 से 4 दिन बाद दोस्तों चावल के दाने को उस औरत के घर के पास फेंक के आ जाना है जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं। दोस्तों फेंकते समय अपना और अपनी प्रेमिका का साथ साथ बार नाम लेना है। दोस्तों बस आपको इतना ही करना है। इतना करते हुए प्रचंड बसकरण वो औरत आपके बस में हो जाएगी, आपको चाहने लग जाएगी, आपके प्यार में तड़पने लग जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करें जिससे आप अपने प्यार को अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकें। दोस्तों भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी सच्ची नीयत से अपने कार्य को पूर्ण करने की सोचता है, अपने कार्य को करने की प्रतीक्षा करता है, उनके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सच्ची नीयत वाले का साथ ईश्वर हमेशा देते हैं। जो भी मांगोगे वही आपको मिलेगा। आपके जीवन में कभी भी ऐसी समस्या पैदा नहीं होगी जिससे कि आपका प्रेम आपसे बिछड़ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।